हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रेजी जीके पॉइंट्स। टुडे हम डिस्कस करेंगे साइंस फिजिक्स का पार्ट 4, साउंड मीन्स ध्वनि। ठीक है, इसमें हमने टोटल 18 क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। इससे पहले हमने फिजिक्स के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप मेरे चैनल क्रेजी जीके पॉइंट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, ठीक है, जो साउंड का पिच लेवल होता है वो किस पर डिपेंड करता है। बोले तो वो आवाज़ बोलते हैं, साउंड का पिच जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, एयर। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर क्या है, इंटेंसिटी। इसीलिए जो रेलवे स्टेशन होते हैं वहाँ पे जो अनाउंसमेंट होता है वो लड़कियों से करवाया जाता है, क्योंकि लड़कियों की जो पिच लेवल होता है उनकी इंटेंसिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेल। ठीक है, इसलिए रेलवे स्टेशन पर फीमेल के थ्रू अनाउंसमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, साउंड वेलोसिटी अकर्स फास्ट इन, जो साउंड की वेलोसिटी होती है किसमें ज़्यादा तेज होती है, एयर, वैक्यूम, वुड, वाटर। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर क्या है, वुड, लकड़ी में। ठीक है, नाउ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज, जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उनकी आवृत्ति कितनी होती है। ठीक है, आप देखते हैं 1000 हर्ट्ज, 5000 हर्ट्ज, 15000 हर्ट्ज, 20000 हर्ट्ज। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो 20000 हर्ट्ज मोर देन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, डॉपलर इफेक्ट इज रिलेटेड टू, ठीक है, जो डॉपलर इफेक्ट है वो किससे संबंधित है। आप देखते हैं वाटर, लाइट, साउंड, पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर किससे है, साउंड से रिलेटेड है। और डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड हम आपको कुछ एग्जांपल भी दिखाएंगे, जिसको आप बेसिकली जानते भी हैं, लेकिन अगर उसको आप देखेंगे तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, साउंड डज नॉट पास इन, साउंड जो होता है किसमें पास नहीं होती, मतलब किसी के गुजरती नहीं है, किसमें साउंड नहीं होता है। ठीक है, तो वाटर, लाइट, वैक्यूम, स्टील। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर क्या है, वैक्यूम। क्वेश्चन नंबर 6, साउंड वेव्स अकर्स फास्ट इन विच, जो साउंड वेव होता है वो अकर होता है फास्ट किसमें। ठीक है, वाटर, लाइट, स्टील, वैक्यूम। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर क्या है, स्टील। ऑब्वियस सी बात है, आप घर में जो थाली होता है उसको आप साउंड करिए, उसमें देखिए साउंड कितना फास्ट आपको सुनाई देगा उसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी। ठीक है, साउंड इंटेंसिटी का क्या मात्रक क्या होता है, मीटर, हर्ट्ज, डेसिबल, कैंडेला। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर क्या है वो डेसिबल, यानी डीबी, इसको डेसिबल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ह्यूमन कैन लिसन साउंड दैट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द WHO। क्वेश्चन नंबर 8 ये पूछ रहा है कि ह्यूमन कितना डेसिबल तक साउंड सुन सकता है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अप्रूव किया गया है, 120 डेसिबल, 100 डेसिबल, 60 डेसिबल, 30 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर क्या है वो 60 डेसिबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इन एयर एक क्वेश्चन ये पूछा गया है एग्जाम में, बेसिकली इन एयर वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है, 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इफ प्रेशर वुड बी डबल, यदि प्रेशर डबल कर दिया जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड व्हाट विल बी, तो साउंड का जो वेग क्या होगा। ठीक है, साउंड की गति क्या होगी, तो ऑप्शन देते हैं 337 मीटर पर सेकेंड, 664 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड, 156 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर क्या है वो 332 मीटर पर सेकेंड। अभी हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे इसका, जिसमें हमने एयर की वेलोसिटी से डिस्कस की हुई है, जो साउंड की वेलोसिटी एयर में कितनी होती है, वाटर में कितनी होती है, और आप देख सकते हैं शायद स्टील में आप देख सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी कितनी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ह्यूमन कैन लिसन साउंड, ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस किया हुआ है, आप देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर क्या है, 60 डेसिबल। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11,
साउंड वेव्स, जो साउंड वेव्स होती हैं वो किस प्रकार की वेव होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ह्यूमन कैन लिसन साउंड दैट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर क्या है वो 60 डेसिबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विच टाइप ऑफ वेव्स अकर्स ओनली सॉलिड एंड लिक्विड। पूछ रहा है कि किस प्रकार की जो तरंग होती हैं केवल सॉलिड यानी ठोस और लिक्विड अवस्था में प्राप्त की जाती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर क्या है वो ट्रांसवर्स वेव्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विच टाइप ऑफ वेव्स अकर्स ओनली सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में ये बोल रहा है कि कौन सी वेव जो होती है सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में संचरण कर सकती है, बोले तो मूवमेंट कर सकती है। तो आप सोचते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर क्या है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जो फ्रेंड ट्रांसवर्स वेव होती हैं वो केवल सॉलिड और लिक्विड में मूवमेंट करती हैं, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में मूवमेंट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ऑडिबल वेव्स की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? 1000 हर्ट्स, 5000 हर्ट्स, 15000 हर्ट्स, 20 to 20,000 हर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है 20 to 20,000 हर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 16, इंफ्रासोनिक वेव्स की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? 0 to 10 हर्ट्स, 10 to 50 हर्ट्स, 50 to 20 हर्ट्स, 0 to 20 हर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर क्या है? 0 to 20 हर्ट्स। इंफ्रासोनिक वेव्स की क्या होती है? आवृत्ति होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन साउंड। जो दाब का प्रभाव साउंड पर क्या होता है देखते हैं। ऑप्शन इंक्रीज होता है, साउंड इंक्रीज होता है, साउंड डिक्रीज होता है, या साउंड डबल हो जाता है, या कोई भी चेंज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर क्या है? नो चेंज। जब भी प्रेशर, मतलब इन द सेंस कह सकते हैं आप कि प्रेशर का साउंड पर कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन साउंड। ताप का साउंड पर क्या प्रभाव होता है? इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, डबल होता है, या नो चेंज। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर क्या है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ टोटल 18 क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, और जल्द ही हम फिजिक्स का पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं, इसमें भी टोटल हमने 20 या 18 क्वेश्चन डिस्कस किया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम वही क्वेश्चन आपको दिखाएंगे जो बेसिकली एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।